रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं कस्टम डायलॉग बॉक्सेस, मतलब कि इनपुट बॉक्स वगैरह को हम कैसे हैंडल करेंगे हमारी इस क्लास में। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे इनपुट बॉक्स चाहिए तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट बनाते हैं रूल्स में सब्जेक्ट और हमने अंडरस्कोर इनपुट कर दिया इन उसको लिखा हो गया लाइक इट ओपन क्लोज। अब यहां मैं क्या करने वाला हूं कि मुझे यहां पे इनपुट बॉक्स चाहिए, राइट? हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू लिख दिया मैंने इनपुट बॉक्स और यहां पे मैंने बोला कि एंटर नेम। तो अब इसको जब प्ले कीजिएगा तो यहां क्या दिखेगा आपको, यहां दिखेगा इनपुट बॉक्स। अब ऊपर देखिए क्या दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिख रहा है ना जी। अब मुझे टाइटल भी चाहिए, जैसे एंटर द नेम इस तरह से आया, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जब कॉमा दिया तो नीचे देखिए क्या आ गया, टाइटल, टाइटल आ गया, तो इन्वर्टेड कॉमा मैंने दे दिया नेम क्वेश्चन मार्क के साथ। तो क्या होगा, जब इसको मैंने प्ले किया तो प्ले करते ही ऊपर देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया जी। ठीक है, ठीक है जी। अब इसमें तीसरा जो आता है इसमें वो आता है डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि ब्लैंक था डिफॉल्ट वैल्यू में हम यहां पे कर देता हूं एन ए। ठीक है, तो जब हम इसको रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहां एन ए लिखा हुआ आए या एंटर नेम कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं। अब इसकी जो तो पोजीशन आप देख रहे हैं कि हमेशा यहां आ रहा है, तो यहां आप पोजीशंस भी सेट कर सकते हैं, जैसे एक्स पोज मैंने बोल दिया है कि 500 पिक्सल और वाई पोज मैंने बोल दिया 600 पिक्सल्स। ठीक है, ठीक है, तो जब रन करेंगे तो ये देखिए यहां 500 600 पिक्सल में आया। ठीक है, तो मैंने यहां पे अगर मान लीजिए कि 5000 और मैंने यहां पे 16000 कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं तो देखेंगे कि बाहर चला गया, स्क्रीन से बाहर चला गया, तो 6। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। अब मैं यहां पे मान लीजिए कि 5 को 7 करता हूं तो क्या हो, ये आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना सर, ये आगे। अगर मैं यहां पे 16 को 200 ये करता 26000 बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो ये आपका जो लेफ्ट टू राइट वाला सिस्टम है वो थोड़ा ज्यादा चलता है, ये थोड़ा कम चलता है। समझ में आ गया। अब यहां पे एक ऑप्शन आता है, मेरे याद होगा कि मैंने टू लूप में बताया था कि अगर मैं यहां पे कोई वैल्यू डलवाना चाहता हूं और वो वैल्यू मेरे हिसाब से होनी चाहिए, जैसे कि मैं चाहता हूं कि इसमें नाम सुजीत होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा कि डू अंटिल ए इज नॉट इक्वल टू सुजीत। ठीक है, और एल बड़ा डबल हो गया और इसको लूप कर, तो ये क्या होगा कि जब रन होगा, रन होने के बाद ये तो रन होना चाहिए, डू वाइल लगाना, अंटिल के अंदर मुझे ये लगाना होगा, इक्वल लगाना होगा, इक्वल, ठीक है। अब जब तक मैं इसमें सुजीत नहीं डालूंगा तब तक क्या होगा, ये हटने ही नहीं देगा, सुजीत डाल दिया तो हट गया, अगर कोई और नाम डालता तो, जैसे मैंने यहां पे पूजा डाल दिया तो नेम नहीं हटने दिया। अब क्वेश्चन आता है
यहां पे कि मैं यहां पे फिक्स नेम नहीं करना चाहता हूं, मेरे पास ऑलरेडी यहां लिस्ट ऑफ नेम है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसमें से कोई लिस्ट ऑफ नेम होना चाहिए, ठीक है, इसमें से लिस्ट ऑफ नेम होना चाहिए, तो कैसे करें? तो मैं यहां पे एक फंक्शन बनाता, फंक्शन फंक्शन, और यहां पे मैंने कर दिया फंक्शन में मान लीजिए कि चेक नेम, तो सी के एन के नाम से बनाता हूं, और यहां पे लिखता हूं एन एज ए स्ट्रिंग और कॉमा आर एज ए रेंज, ठीक है, फिर डिम के एज ए हमने क्या लिया, रेंज लिया, और फिर लगाता हूं कि फोर इच के इन आर, और नेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं कि इफ एन इक्वल टू के डॉट वैल्यू देन यहां पे सी के एन इक्वल टू और यहां पे एग्जिट फंक्शन, ठीक है, और एन इफ अदरवाइज सी के एन इक्वल टू फॉल्स, और यहां पे मैंने बोल दिया कि एज ए बुलियन। अब ये चीज मैं यहां लगाऊंगा, हमने बोला दैट इज इक्वल टू यहां पे फंक्शन लगाओ, फंक्शन सी के एन, और यहां पे ए आ जाएगा, और रेंज में हमने दे दिया सीट्स, सीट्स के अंदर सीट टू, ठीक है, ठीक और सीट टू में रेंज हमने ए से लेके 50 कर दिया, ए वन से लेके ए 10 कर दिया, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ ब्रैकेट छूट गया, ठीक है सर। अब इसको रन करते हैं, बाय द आर्गुमेंट टाइप मिसमैच, यहां पे डिम ए एज ए स्ट्रिंग, नेक्स्ट के होगा ना, नेक्स्ट के, ठीक मिनट, एट तक करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पे पूजा ठीक डाला तो ये हट गया सर। अब यहां पे जैसे मैंने मान ले सुजीत डालता हूं, सुजीत नहीं है तो मुझे वापस पॉपअप करेगा, ठीक है। अब यहां पे समझिए कि जब मैंने यहां A8 से A10 दिया तो फिर क्यों नहीं चला, बताइए, नहीं चला, रीजन रीजन ये हुआ कि यहां जब रन फर्स्ट टाइम रन होता है तो ए हमारा ब्लैंक होता है ना, जी तो अब ब्लैंक को इसमें ढूंढा तो ब्लैंक तो यहां नीचे मिल गया ना इसको, तो हाँ हो गया। तो जब मैंने इसको 10 का, आप जब 10 कीजिएगा तो यहां पे ए इक्वल टू आपको एक वैल्यू
डाल, ठीक है ना? अब आपका कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, जब रन उसके बाद जब रन किया, उससे पहले रन किया तो यहां पे टाइप मिसमैच कह रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ए को डिफाइन नहीं किया। जो डिफाइन नहीं किया तो डायरेक्ट क्या चल गया? वेरिएंट चल गया। डायरेक्ट क्या चला गया? वेरिएंट चला गया। तो वेरिएंट जाने के कारण यहां, लेकिन सीएनएन में क्या बोला कि स्ट्रिंग चाहिए, तो सीएन सीकेएन को क्या चाहिए? स्ट्रिंग चाहिए। बट यहां क्या आ गया? वेरिएंट आ गया, तो टाइप मिसमैच चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर इसको डिफाइन किया। अब जो है रन करूंगा तो अब देखिए नेम आ गया, आ गया। अब मैं यहां पे ओम दूंगा तो ओम को ही रिसीव करेगा, सॉरी। और हाँ, टाइप में यहां पे केस सेंसिटिव है, तो केस सेंसिटिव को हटाने के लिए क्या करेंगे? यहां यहां जो हम करेंगे यू केस, क्या करेंगे? यू केस ब्रैकेट ओपन, केस सेंसिटिव को हटाने के लिए, मतलब बड़े छोटे का फर्क। अगेन यू केस, और इसको सिलेक्ट करके यहां ले लिया, ये आपके सामने। अब बड़े छोटे का फर्क नहीं। तो यहां पे आपने इनपुट बॉक्स को मैनिपुलेट करना सीखा। डू अंटिल के मदद से आप फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने माइक्रो में, वो देखा। अब सोचिए कि यहां पे फंक्शन ना लगाते तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये इतना चीजें यहां कैसे डालते हैं? बात समझ रहे? डालना मुश्किल था ना। तो इसके लिए यहां पे हमने चीजें की, क्लियर है? ठीक है सर। तो इनपुट बॉक्स को हम इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। दूसरा आता है कि अभी इनपुट बॉक्स में हम टाइप करते हैं, बट आई वांट टू सिलेक्ट, मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं, ठीक है ना? जैसे मैं यहां पे एक अनदर माइक्रो बनाता हूं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट इनपुट अंडरस्कोर टू ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे अगर मैंने किया कि ए इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहां यह दिया कि सिलेक्ट रेंज, ठीक है, देन कॉमा, टाइटल दे दिया सिलेक्शन डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में मैंने क्या कर दिया? सिलेक्शन डॉट एड्रेस। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिए सिलेक्ट होगा, लेकिन मैं यहां अब कुछ चेंज मैंने नहीं कर सकता यहां पे, ठीक है ना? वो जो स्टार्ट करने में सिलेक्शन वही ले ले, लेकिन जैसे इसको मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा लास्ट में टाइप, यहां पे एक ऑप्शन आता है टाइप का, पर टाइप नहीं आ रहा, नहीं आ रहा टाइप। टाइप कब आएगा? जब आप लगाइए यहां एप्लीकेशन लगाइए, क्या लगाइएगा? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डॉट इनपुट कीजिएगा इनपुट बॉक्स, तो यहां पे आपको आएगा सबसे लास्ट में टाइप आया। तो टाइप की तरफ बढ़ते हैं। टाइप में यहां अगर मैं जीरो देता हूं तो फॉर्मूला, वन देता हूं तो नंबर, टू देता हूं तो स्ट्रिंग, फोर देता हूं तो ट्रू फॉल्स, एंड एट देता हूं तो सेल रेफरेंस। एट दे दिया। अब मैं यहां पे लिखता हूं कि यहां पे ऊपर में कि डिम आर एज ए रेंज, और यहां पे हम करता हूं कि सेट आर इक्वल टू ए, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। देव अगर आ रहा है, क्योंकि ए जो है ए वेरिएबल्स है, तो यहां पे मुझे यही पे करना होगा कि सेट
आर इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं आया ऑप्शन? एक मिनट जाइए, एंड करता हूँ, मुझे यहाँ पे आना, खोलना ये एक्सेल पे जाके रन करता हूँ, एक मिनट जाइए। अब देखिए कहीं भी क्लिक कर रहा है तो आ रहा है ना सर? हाँ सर, अभी सर ओके कर रहा हूँ तो ये रेंज पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब मुझे इसी को मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर काउंट चाहिए मुझे, ठीक है, तो मैं एम एस जी बॉक्स के अंदर यहाँ लिखा कि एप्लीकेशन डॉट एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, इसके अंदर आर दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे हम रन करते हैं, रन, और मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया मैंने, और सिलेक्ट करके जैसे ओके करूंगा तो देखिए एट आया है ना सर। तो इनपुट बॉक्स में क्या हो गया कि इनपुट बॉक्स के अंदर आप किसी भी रेफरेंस को भी ले सकते हो, जैसे कि आपको रन माइक्रो रन करते समय एक एरिया चाहिए, ठीक है ना, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब मान लीजिए कि मैं इनपुट बॉक्स को अगर मैं कुछ इस तरह का करूं, कुछ अलग तरीके से करूं, मतलब इनपुट बॉक्स पे मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह या फिल इन द ब्लैंक टाइप का कुछ शो करना है, तो चलिए अब इसका एक काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के क्वेश्चंस नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस में हम लिखते हैं कि व्हाट इज एक्सेल एक्सटेंशन, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे आता है आपका ऑप्शंस, ए बी सी, तीन ऑप्शंस है कि डॉट एक्सेलस एक्स, डॉट एक्सेलस बी, डॉट डी ओ सी, ठीक है, ठीक है, पिवट टेबल विच मेनू, ऑप्शन आ गया यहां पे होम, यहां पे आ गया आपका इंसर्ट, यहां पे आ गया आपका डेटा, ठीक है, और तीसरा हम यहां पे लिखते हैं मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला, सम, सॉरी, सम काउंट वी लुकअप, तीन ही करते हैं, ठीक है सर। अब मुझे इसको शो करना है एक क्वेश्चंस की तरह, तो चलिए आते हैं यहां पे और मैं इस पर डुअल स्क्रीन करता हूं, ठीक है, और तीसरा नंबर इनपुट बॉक्स लेता हूं, सब्जेक्ट इनपुट अंडरस्कोर 3 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे हम सबसे पहले लिखते हैं ए, यहां पे ए इक्वल टू इनपुट बॉक्स। अब मान लीजिए कि इनपुट बॉक्स में प्रॉम्प्ट करना, ठीक है ना, कैसे करना, तो यहां पे हम कॉमा करके यहां पे
फिलहाल छोड़ देता हूँ यहाँ पे, एम लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एम, तो एम इक्वल टू मैंने लिखा सेल, सेल में हमने बोला कि टू कॉलम एंड वन रो, ठीक है, नहीं टू रो एंड टू रो एंड टू कॉलम डॉट वैल्यू। तो अब जब इसको रन कीजिएगा तो क्या होगा, यहां पे ये आ गया एक्सटेंशन। अब मुझे यहां पे देना है कि बिलो आर ऑप्शंस, ठीक है, लेकिन वो नीचे वाली लाइन में करना है। तो यहां पे क्या करेंगे, एन परसेंट लिखेंगे वी वी न्यू लाइन, ठीक है, फिर एम इक्वल टू एम के साथ कॉन्केट करेंगे सेल्स, नहीं सेल्स नहीं है इधर आना, बिलो आर ऑप्शन, ठीक है, यहां आया बिलो आर ऑप्शंस। लेकिन थोड़ा सा आया आ गया, थोड़ा सा एक क्या करना चाहिए था, यहां यहां आना चाहिए। तो क्या करेंगे, न्यू लाइन को रिपीट कर देंगे। अगर इस न्यू लाइन को अगर मैंने दो बार रिपीट किया तो क्या होगा, रन करते हैं, यहां देखिए दो आ गया। अब यहां पे मुझे दो और करना है, मतलब कि इसके साइड में भी मुझे न्यू लाइन करना है और यहां भी एक बार और न्यू लाइन का, ठीक है, न्यू लाइन एंट्री की तरह काम करेगा, ठीक है। अब मुझे यहां पे अपने ऑप्शंस ए बी सी करने हैं, तो एन इक्वल टू मैंने यहां पे लिखा ए, ठीक है ना, डॉट डैश, और एन परसेंट हमने दिया सेल, सेल्स के अंदर में क्या होगा, तो दूसरा रो एंड तीसरा कॉलम, ठीक है, एम के साथ, सॉरी एम के साथ, यहां देख स्पेस देना, स्पेस देना पड़ता है, ठीक है। अब इसको रन कीजिए, क्या आ गया, अब इसी के बगल में मुझे बी चाहिए, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एन परसेंट वी वी न्यू वी वी टैब, सॉरी वी वी टैब, टैब क्या होगा, एक टैब का स्पेस देगा, तो एम इक्वल टू एम के साथ हमने क्या किया, ये पूरा ले लेते हैं, ए पूरा, ठीक है। अब यहां पे बी कर देते हैं, क्या कर देते हैं बी, और यहां पे टू थ्री के जगह पे फोर कर, अब यहां पे ओके करते हैं तो आ गया, तो ऐसे ही सी के लिए इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, और नीचे लास्ट खत्म हो चुका है तो टैप देने की जरूरत नहीं है, और फोर के जगह पे फाइव, और यहां पे बी के जगह पे सी, और इसको मैंने क्या किया, रन आ गया। ऊपर में मुझे अपना क्वेश्चन नंबर देना है, क्या देना है, क्वेश्चन नंबर, तो हम यहां पे एम ले लिए प्रॉम्प्ट, फिर आता है टाइटल, तो टाइटल में मैंने दिया क्यू, यहां पे इन्वर्टर को वहां में क्यू, और क्यू के साथ हमने क्या किया, या सेल्स, सेल्स में हमने क्या दिया कि टू रो एंड वन कॉल डॉट वैल, ठीक है। अब इसको रन कीजिए, आ गया क्वेश्चन नंबर वन। अब मैं जो आंसर लिखू वो आंसर यहां यहां पे आना चाहिए, ठीक है, तो यहां पे कर दिया मैंने सेल्स, सेल्स के अंदर टू रो एंड कॉलम कितना है, फाइव के जगह पे सिक्स, सिक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू ए, और फिर वापस ए को कर दिया ब्लैंक, ठीक है। अब इसको कर देते हैं यहां, यहां से
लूप के अंदर। बिफोर आई इक्वल टू चले टू टू फोर, ठीक है, फिर नेक्स्ट आई, और जहां जहां मैंने रो नंबर दिए वहां पे क्या हो जाएगा आई होगा। रन कीजिए, सॉरी नेक्स्ट में टी छूट गया। आया, अगर मैंने मान लीजिए इसका ए दिया देन ओके। फिर आया दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, हमने डाला बी ऑप्शन, अच्छा बी आ गया देन ओके। देन आया सी ऑप्शन, जिसमें है सी, सी डाल दिया। तो अब आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। क्या प्रोजेक्ट बनेगा? प्रोजेक्ट बनेगा कि आपको एक एक क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन का एक बनाना है कि आपके पास 10 15 20 क्वेश्चंस है और क्वेश्चन पूछेगा आंसर डाल, पहले तो रन करते ही अपना नाम डालेगा, उसके नाम का कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है, फिर जो जो आंसर देगा वो आंसर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब आप और उसके बाद एक कॉलम में अपना आंसर जो हुआ है, हो चुका है आंसर, उसको आप रखिएगा, मतलब जो जो रियल आंसर है, मतलब कि सही करेक्ट आंसर है। फिर करेक्ट आंसर इस आंसर दोनों को क्या कीजिएगा, मैच करवाइएगा, और फिर रिजल्ट दिखाइए कितना आंसर कितना गलत हुआ कितना सही हुआ, टोटल परसेंटेज क्या हुआ, ठीक है।